वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र हम डिस्कस कर रहे हैं दो डाइपोल्स के बीच में जो इंट्रक्शन एनर्जी होती है उसको हम डिस्कस करेंगे तो हम जानते हैं कि यदि डाइपोल पी है और इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डाइपोल्स की वो होती है यू इक्वल टू माइनस पी ई पी जो है डाइपोल है और ई e जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू है अगर कोई दो पॉइंट है एक आर है और एक आर डैश है और आर डैश की डिस्टेंस बहुत कम है आर वो पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है इक्वल टू वन अपान फोर पाई एफ सिलान जीरो थ्री आर पी अपान आर की पावर फाइव इन आर माइनस पी अपान आर Cube. ये होती है इनर्जी का फार्मूला अब हम कंसीडर करते हैं दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं वन और टू और दोनों का जो मोमेंट है वो पी वन और पी टू है ये इन एक इन दोनों डाइपोल के बीच में कुछ एंगल बन रहा है वो एंगल कुछ भी हो सकता है फाइव वन फाइव टू ये थीटा थीटा टू अब हमने मान लिया कि ई टू और फाई टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है डाइपोल टू का और डाइपोल वन के प्रजेंस के कारण इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो ई टू है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो फाइ टू है तो डाइपोल वन के प्रजेंस के कारण इसमें जो इंट्रेक्शन एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी यू वन टू इक्वल टू माइनस पी टू ई टू ये इसकी हो जाएगी डाइपोल वन के कारण डाइपोल टू में इंट्रक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ये डायग्राम दिखाया गया है जैसे यहाँ पे एक डाइपोल है वन और एक ये दूसरा डाइपोल है इसके जो डाइपोल का डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन पे है और इसका डायरेक्शन ये है चूंकि डाइपोल होता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का, का कॉम्बिनेशन होता है डायपोल टू के कारण डायपोल वन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई वन है और फाइव है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डाइपोल वन के कारण जो डाइपोल टू में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है फाई टू और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हो रहा है वो ई टू है चूंकि इंट्रेक्शन एनर्जी जब टू डाइपोल्स पे लगता है तो उनके मूवमेंट में कोई वर्क डन नहीं होता उसका कारण यह है कि यदि P1 पे जितना फोर्स पी टू में लगता है उतना ही फोर्स P2 से P1 में लगता है यदि दोनों की चार्ज की वैल्यू इक्वल है लेकिन जो उन दोनों के बीच में फोर्स लगता है उस फोर्स से जो वर्क होगा तो वर्क डन तो मूवमेंट नहीं होगा इसका मतलब डाइपोल P1 और डाइपोल P2 का मूवमेंट नहीं होगा डायपोल पी टू है मूवमेंट नहीं होगा लेकिन उनका आपस में फोर्स लगेगा इंट्रेक्शन एनर्जी होगी उस एनर्जी से मूवमेंट नहीं होगा मतलब वो मूव नहीं करेंगे तो इनकी जो इंट्रेक्शन इनर्जी होगी उसको हमने मान लिया यू वन टू इक्वल टू यू टू वन इक्वल टू यू मान लिया अब इसको इंट्रक्शन एनर्जी को हम लिख सकते हैं यू इक्वल टू माइनस पी टू वन अपॉन फोर पाई सिलान जीरो हमने इस हमने क्या किया इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या है ये इक्वेशन फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और ये इक्वेशन सेकंड है इंट्रक्शन एनर्जी के लिए इसको हम ई टू के लिए अब देख सकते हैं तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया यहां पे E2 के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाइपोल वन के कारण टू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसकी वैल्यू E2 के फॉर्म में हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया है तो ये हो जाएगा आपका इंट्रक्शन एनर्जी इसमें चूंकि माइनस दिया है माइनस पी को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा पी और ये हो जाएगा पी तो ये हो गया यू इक्वल टू वन अपान फोर पाइव सिलान जीरो पी वन पी टू अपॉन आर क्यूब माइनस थ्री आर फाइव पी वन आर पी टू आर ये जो इक्वेशन है ये दो डाइपोल्स के बीच में इंटरक्शन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फैक्टर है पी वन आर और पी टू आर और पी वन और पी टू इससे प्रूफ होता है कि जो इंट्रक्शन एनर्जी है वो जो दो दो डाइपोल है उन दोनों दो डाइपोल का जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है उस पर भी डिपेंड करता है और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है यहां से देख सकते हैं ये P1 और P2 को इनके बीच में यहां एंगल बनेगा अगर इसको हम और बढ़ा देंगे तो ये एंगल बनेगा तो यहां पर जो डिस्टेंस है P1 P2 को ये डिस्टेंस R पर भी डिपेंड करता है तो हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ डाइपोल प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें थैंक यू वेरी मच